यूपी पुलिस के एक सिपाही की पार्क में सरेआम पिटाई। पहले पिटाई का ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। दरअसल एक महिला से पार्क में पीट रहा शख्स जीआरपी सिपाही दुर्गेश बताया जा रहा है, और जो महिला पीट रही है उसका दावा है कि वो इसकी पत्नी है। महिला का ये भी आरोप है कि उसके पति ने 4 शादियां की है। वो छिप छिप कर कई महिलाओं से मिलता है। नवबस्ता इलाके में हंसपुरम वाटर पार्क में महिला ने सिपाही को पीटा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। महिला का आरोप है कि उसका पति उसकी हत्या करना चाहता है, क्योंकि वो कई शादियों वाली बात को लेकर FIR करवाना चाहती है। बहरहाल जीआरपी का सिपाही कानपुर के श्याम नगर का रहने वाला है। बहरहाल सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है। आज सुबह सोशल मीडिया पर एक स्त्री और पुरुष के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यह भी बताया गया कि यह पुरुष जो है जीआरपी से संबंधित है। इस संबंध में वीडियो की जांच की गई और उक्त दोनों लोगों से पूछताछ की गई। सर्वप्रथम तो यह प्रकाश में आया कि ये जो वीडियो है नवबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम चौकी के पास एक वाटर पार्क है, वहाँ का वीडियो था। और उस वीडियो में जो दोनों व्यक्ति हैं, स्त्री और पुरुष, वो पति पत्नी हैं, और इनके बीच आपसी कुछ बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी क्रम में यह भी प्रकाश में आया कि जो ये पुरुष है ये जीआरपी में सिपाही रहे हैं, और इसी महिला के एक प्रार्थना पत्र की जांच के क्रम में इनको पिछले महीने यूपी पुलिस से बर्खास्त किया जा चुका है। वर्तमान में इनके द्वारा जो भी इन दोनों के द्वारा तहरीर दी जाएगी, जांच के क्रम में जो भी विधिक कार्रवाई है वह किया जाएगा। जीआरपी के सिपाही दुर्गेश को उसके किए की सजा मिल चुकी है। पुलिस वाले नैतिकता की शपथ लेते हैं, और यह शपथ उनके निजी जीवन में भी नजर आनी चाहिए।